हाँ जी दोस्तों, इस गल दे बारे तां आपां सारी जानदे हां कि एलबर्ट आइंस्टाइन हिस्टरी दा सब तों वड्डा जीनियस सी। इन्ना जीनियस कि वो इकला ही हजारां साइंटिस्ट तों भी वध दिमाग लड़ा सकदा सी। जो चीज़ां आपां आम बंदे समझणा तां दूर दी गल है, सोच भी नहीं सकदे, वो चीज़ां आइंस्टाइन ने सोचियां भी, समझियां भी, अते उन्हां नूं पूरी दुनिया लई सौखा भी बनाया। एलबर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट सी जिन्हां ने थ्यूरी ऑफ रिलेटिविटी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर अते फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट दे ला बना के पूरी दुनिया नूं हैरान अते परेशान कर दिता सी। इस करके उन्हां नूं नोबल पुरस्कार नाल भी नवाजिया गया सी। इन्हां दी वक्री सोचण अते समझण दी कला वेख के लोग समझदे सी कि आइंस्टाइन कोल आम बंदे तों हट के एक वक्री किस्म दा दिमाग है जो सब तों तेज है। इस गल दा आइंस्टाइन नूं भी अंदाजा सी, इसलिए वह नहीं सी चाहुंदे कि मरण तों बाद उन्हां दे शरीर दे किसी भी हिस्से की रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने ये हदायतां दित्तियां होईयां सी कि मरण तो बाद उन्हां दे शरीर नूं जला के राख कर दिता जाए। पर आखिर ओही होया जिहदा आइंस्टाइन नूं डर सी। दोस्तों 18 अप्रैल 1955 नूं प्रिंसटन हस्पताल विच जदों आइंस्टाइन की मौत होई तां आटोपसी लई जानी कि मौत की वजह जानण लई जो डॉक्टर आया उन्हें गुप्त तरीके नाल आइंस्टाइन का ब्रेन कढ़ लिया, क्योंकि वह यह जानना चाहता सी कि दुनिया के सब तो वड्डे जीनियस के दिमाग विच आखिर अजिहा है कि। कहिंदे आइंस्टाइन का दिमाग चोरी करने वाला डॉक्टर थॉमस हारवी सी, जिसनों अपने उत्ते होने वाले केस तो ज़्यादा इस स्पैशल ब्रेन उत्ते स्टडी करन दी दिलचस्पी सी। कुछ दिनों बाद जदों हस्पताल नूं डॉक्टर हारवी दी इस हरकत दा पता लग्गिया तां उन्हां नूं अपनी नौकरी तों हथ धोना पिया। पर डॉक्टर हारवी ने आइंस्टाइन दे बेटे जेम्स तों इह परमिशन लै लई कि उह उस दे बाप दे स्पैशल ब्रेन दे अंदर लुकियां विशेष जानकारियां पता करे अते दुनिया सामने लैके आवे। कहिंदे इस तों बाद शुरू होया आइंस्टाइन दे इस दिमाग उपर एक विशेष एक्सपैरीमेंट। डॉक्टर हारवी एक पैथोलॉजिस्ट सी जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानदा सी। उन्हां दा यह ख्याल सी कि वह इन्ने वड्डे जीनियस दे दिमाग उपर रिसर्च कर लैणगे। पर हुण हालात यह सी कि डॉक्टर हारवी ने हस्पताल की नौकरी तो भी हाथ धो ले अपना अहुदा भी खो लिया। आइंस्टाइन का ब्रेन डॉक्टर हारवी प्रिजर्व कर चुकया सी ते ओ इनू लेके पेंसिलवेनिया दे शहर फिलाडेल्फिया गया, जिथे उन्हें ब्रेन दिया कई तस्वीरां लईयां ते फिर उस ब्रेन नू 240 छोटे छोटे टुकड़ियां च कट के हर पीस नूं अलग अलग जार विच प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट च लुका दिता। इस मसले नूं लैके डॉक्टर हारवी दा अपनी घरवाली नाल कई बार झगड़ा हुंदा रहिंदा सी, क्योंकि उहदी घरवाली अक्सर यह धमकी दिंदी सी कि वह इस ब्रेन नूं चुक के सुट देवेगी। पर एक दिन झगड़ा इन्ना वध गया कि दोनों मियाँ बीबी नूं तलाक लैके अड होना पिया ते डॉक्टर हारवी ब्रेन लैके कैंसस दे शहर विजिता चले गए, जिथे ओ एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब विच मैडिकल सुपरवाइजर दी नौकरी करन लगे ते इत्थे ओ अपने खाली समें च आइंस्टाइन दे ब्रेन उपर स्टडी करन दी कोशिश करदे। इस तों बाद ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਰਵੀ
आइनस्टाइन दे ब्रेन उपर कुछ खास रिसर्च ना कर सकया। उल्टा उन्हां दा मेडिकल लाइसेंस ही कैंसल कर दिता गया ते कहिंदे हालात यह हो गए कि उन्हां नूं एक प्लास्टिक की फैक्टरी विच नौकरी करनी पई। उदों ही उन्हें पहली बार एक चंगा फैसला किया कि वह इस ब्रेन के अलग अलग हिस्सों नूं दुनिया के बेस्ट न्यूरोपथोलॉजिस्टां दे कोल डिटेल रिसर्च लई भेजणगे। उन्होंने इस तरह ही किया। 1955 ब्रेन चोरी होने के 30 साल बाद 1985 पहली बार आइंस्टाइन के दिमाग से एक स्टडी पब्लिश की गई। इस तो बाद अगले 28 साल तक इस जीनियस ब्रेन उपर दुनिया भर के डाक्टर ने कई स्टडी पब्लिश कीतियां जिन्हां विच दस्या गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम बंदे दे दिमाग तो काफ़ी ज़्यादा अलग सी। सब तो बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कोरपस कलोजम नामी हिस्से च पाया गया। हुण इत्थे यह जानना जरूरी है कि बंदे का ब्रेन दो वक् वक् हिस्सों च बंडिया होया हुंदा है। बंदा जो भी काम करता वो ब्रेन के एक हिस्से विच पहला प्रोसैस हुंदा है, फिर ब्रेन अपने जिसम के उस हिस्से नूं सिग्नल दिंदा है। लैफ्ट ब्रेन साढ़े शरीर के राइट हिस्सों नूं कंट्रोल करता, जबकि राइट ब्रेन साढ़े शरीर के लैफ्ट हिस्से नूं कंट्रोल करता। इस तों बिना 90% बंदियां दा लैफ्ट हिस्सा बोलण दे समझण दे अते लिखण दे दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन दे कोल क्रिएटिविटी शेप्स नूं पहचानण आर्ट अते म्यूजिकल दे स्किलां दी जिम्मेवारी हुंदी है। हुण तुसीं भी ये सोच रहे होवोगे कि इस सब विच कॉर्पस क्लोजम दा की काम है। फर्ज करो कि तुसीं कीबोर्ड ते टाइपिंग कर रहे हो, इस दौरान साढ़े दोवें हथ टाइपिंग करने विच रुझे होंदे ने। कुछ अक्षर साडा सीधा हथ टाइप कर रहा है ते कुछ उल्टा हथ टाइपिंग दौरान तुहाडे खब्बे हथ तों एक मिसटेक होई तां तुसीं फौरन अपना सज्जा हथ वरत के उस मिसटेक नूं इरेज कीता। इहदा मतलब यह होया कि जदों साढ़े सज्जे ब्रेन तो मिसटेक हुई तां उहने लैफ्ट ब्रेन नूं फौरन सिग्नल दे के वह मिसटेक ठीक करवाई। ब्रेन दे दोवें हिस्से आपस विच जिस चीज़ दे थ्रू कम्यूनीकेट करते हैं उहनूं कॉर्पस क्लोजम कहा जाता। तो आइंस्टाइन का कॉर्पस क्लोजम आम बंदियां दे मुकाबले कुछ ज़्यादा ही वड्डा सी, जानी कि उन्हां दा लैफ्ट अते राइट ब्रेन का आपस विच बड़ा स्ट्रोंग कनैक्शन सी, जिदे करके आइंस्टाइन इक्को समय कई सवाल कई प्रॉब्लम नूं इक्को समय हल कर सकता सी। कॉर्पस क्लोजम दे बड़े होण तों बिना आइंस्टाइन दे दिमाग दा पैटरली भी आम इंसानां तों काफ़ी अलग सी। कहिंदे ने रिसर्च करन वाले दा मनना सी कि इस इहदे करके ही ब्रेन विच न्यूरोन दा फ्लो काफ़ी वधिया सी। न्यूरोन दे चंगे बहाव करके आइंस्टाइन दी मैथ दी कैलकुलेशन दी पावर काफ़ी ज़्यादा सी। कहिंदे आइंस्टाइन मैथ दी वड्डी तों वड्डी प्रॉब्लम नूं बिना पेन कापी दे दिमाग विच ही हल कर दिंदा सी। न्यूरोन ज़्यादा होण दी इक होर वजह सी कि जदों आइंस्टाइन दे ब्रेन दा वजन कीता गया तां उस दा वजन 1230 ग्राम सी। आम ब्रेन दे वजन 400 ग्राम हुंदा है। रिसर्च करन आलियां दा मनना कि इन्हां ने ब्रेन दीयां लाइनां इन्हां दे ब्रेन दीयां लाइनां काफ़ी पतलियां सन, जिदे करके उस विच ज़्यादा न्यूरोन पाए जाते सी। पर सब तो वड्डा सवाल हाले भी उत्थे ही सी कि की आइंस्टाइन एक तेज दिमाग लैके ही पैदा होए सी जां पैदा होने तो बाद इन्हां दे दिमाग च वड्डे फेरबदल आए। जांच तो बाद पता लग्या कि आइंस्टाइन जदों पैदा होए तां उह पूरे 5 साल तक बोल नहीं सी सके, जबकि दूजे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में ही बोलन लग पे सी।
जदों आइंस्टाइन ने बोलना शुरू किया उदों भी वह ज़्यादा बोलना पसंद नहीं सी करते, बल्कि हमेशा अपनियां सोचां विच ही गुम रहिंदे सी। इत्थों तक कि उन्हां नूं सिंपल मैथ दे टेबल याद करन विच भी मुश्किल आउंदी सी। जदों आइंस्टाइन 12 सालां दे सी तां इक टीचर इन्हां कोल अपनी एक मैथ दी किताब छड्ड गया। कहिंदे फिर कुछ अजिहा होया कि सिर्फ एक दिन विच ही आइंस्टाइन ने उस पूरी बुक नूं हल कर लिया। कहिंदे 14 साल की उम्र तक उन्हां दी मैथ अते साइंस विच इन्नी ग्रिप बन गई कि उहदे मास्टर भी उस तों घबराउण लग पए। सो यह मन्निया गया कि 10 तों 12 साल की उम्र विच ही उन्हां दा दिमाग विकसित होया अते उन्हां दे विच बदलाव आए। सो दोस्तो इदां दा सी एलबर्ट आइंस्टाइन अते उहदा दिमाग। सो यह सी अज दी वीडियो। सो मिलते हैं हम आप अगली जानकारी के नाल। उदों तक दिओ आ गया, सत श्री अकाल।